आज की कथा का पहला सूत्र तुम्हें नोट करना है, और सूत्र बड़ा प्यारा है। हनुमान जी को पाने के लिए राह की आवश्यकता नहीं है, मेरे बजरंग बली को पाना है तो सिर्फ चाय की आवश्यकता है। हनुमान जी राह से प्राप्त नहीं होते, चाह से प्राप्त होते। अच्छा, चाय का मतलब तुम चाय मत समझ जाना कि हनुमान जी टी से प्राप्त होते। नो, नेवा। हनुमान जी प्राप्त होंगे तो आपकी भावना से, जितनी दृढ़ता के साथ तुम्हारी भावना होगी हनुमान जी तुम्हारे उतने करीब होंगे। बुरा मत मानना, पढ़े लिखे आईआईटी के लोग, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हमारे पास जब पहुंचते हैं तो तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं, कुतर्क करते हैं। क्वेश्चन भी नहीं कहेंगे, कुतर्क कहेंगे, उसको कहेंगे पागलपंती। पागलपंती करते हैं, अरे भगवान लगा रखा आपने, भगवान होते हैं, हम तो नास्तिक हो। बुरा मत मानना, आप नास्तिक हो हमें खबर नहीं, आप आस्तिक हो हमें खबर नहीं, आप वास्तविक हो या नहीं ये हम पूछ रहे हैं आपसे। आप भले ही आस्तिक मत हो, आप भले ही नास्तिक हो, पर हमारी प्रार्थना है तुम नास्तिक भले ही रहो, पर याद रखना मेरे पागलो तुम वास्तविक हो या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नास्तिक होते हुए भी तुम अगर वास्तविक नहीं हुए तो तुम्हारा जीवन दो कौड़ी का है और तुमने कुछ नहीं समझा। तो अगर तुम हनुमान जी को जानना चाहते इस भाग दौड़ की जिंदगी में और कलयुग में भी तुम हनुमान जी की कृपा को महसूस करना चाहते तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हनुमान जी को पाने के लिए कोई राय की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी तुम्हें किसी मंदिरों में भी नहीं मिलेंगे, हनुमान जी तुमको किसी गुरु के पास भी नहीं मिलेंगे, हनुमान जी तुम्हें मिलेंगे और तुम्हारे मन मंदिर में मिलेंगे और तुम्हारे अंदर मिलेंगे और तुम्हारे अंदर वो स्वतः भाव से प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी को पाना है तो हमें चाय की आवश्यकता है, राह की आवश्यकता नहीं। लेकिन वर्तमान समय में ज्यादातर लोग राह चुनते हैं, चाय कम, रास्ते चुनते हैं। हम लोगों ने ये जो व्यवस्था बनाई, हमारे ऋषि मुनि बहुत वैज्ञानिक थे, बहुत वैज्ञानिक, उनका विज्ञान इतने ऊंचे लेवल का था कि कोई उनके विज्ञान को पढ़ नहीं सकता। उन्होंने प्रत्येक, हमारा सनातन इतना महान इसलिए है क्योंकि प्रत्येक विषय में विज्ञान भरा है। हवन में विज्ञान है, वायुमंडल को शुद्ध करता है। तिलक में विज्ञान है, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आज्ञा चक्र पर नहीं पड़ती है और पुश करने से याददाश्त बढ़ती है। शिखा का विज्ञान है, चोटी का विज्ञान है, यह सबसे सेंसिटिव एरिया रहता है, इसको सुरक्षित भी करता है और विचारों को कॉन्सेंट्रेट, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बल प्रदान करता है। हर चीज का लॉजिक है, विज्ञान है। हमारे पूर्वज जितने वैज्ञानिक थे शायद कोई दूसरा वैज्ञानिक नहीं रहा होगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, हम तुमको प्रार्थना करें, हमारे पूर्वजों ने भी संकेत दिया, हमारे अध्यात्म ने संकेत दिया कि हमको राह नहीं चुननी, चाह चुननी। चाह का मतलब प्रेम, चाह का मतलब डूबना, चाह का मतलब इतना याद करना, इतना याद करना। मनोविज्ञान भी इसको स्वीकार करते हैं। मनोविज्ञान कहते हैं कि कोई आदमी किसी को जितना याद करेगा वो वैसा ही बन जाएगा। और तुम अगर हनुमान जी में डूबोगे तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे आसपास उनकी ऊर्जा गूंजने लगेगी और तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे पास हनुमान जी हैं। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे आसपास वो महसूस हो रहे हैं और तुम अनुभव करोगे कि वो तुमसे बात कर रहे हैं, हवा के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से और गुरु के माध्यम से और गोविंद के माध्यम से। इसलिए मेरे प्रियजनों, आपकी एक भूल पर हम चर्चा करेंगे। हम लोग राह चुनते हैं, चाहे नहीं चुनते। किसी आदमी ने हमको पूछा रामचरित्र क्यों होता है या हनुमान चरित्र क्यों होता है, सीता चरित्र क्यों होता है, कृष्ण चरित्र क्यों होता है, क्या ये बनाई हुई कहानियां हैं या चरित्र लिखने के पीछे कोई कारण है, और रामचरित्र मानस क्यों लिखा, जब रामायण ऑलरेडी थी तो दूसरी पुस्तक लिखने की क्या जरूरत है। आकाश अग्रवाल ठटरी के बरे, तुमने कहा कि रामचरित्र क्यों है, तुमने कहा कि सीता चरित्र और हनुमान चरित्र क्यों है। माई बाप आकाश जी, नाम आकाश है, काम पाताल वाला कर रहे हैं। जो क्वेश्चन तुमने किया वो पाताल का क्वेश्चन,
नाम तुमने आकाश रख रखा है। चरित्र का मतलब जिसका जीवन बहुत सधा हुआ है, जिसके चरित्र को सुनकर जीवन में उतार कर हम अपना चित्र संभालें, इसलिए चरित्र की आवश्यकता है। जिसके चरित्र को पढ़कर, गाकर, सुनकर और जीवन में उतार कर हम अपना चरित्र निर्मल करें, उसी को तो चरित्र कहते हैं। और आपने कहा कि राम चरित्र क्यों है, राम का तो चरित्र ही महिमावान था, इनका तो चरित्र ही उज्ज्वल था, इसलिए तो ये महान बने, वरना रावण राम से बहुत ज्यादा आगे था, प्रभु श्री राम से रावण बहुत महिमावान था, महिमा थी, बल था, परिवार था, वंश था, सोने की लंका थी, लेकिन प्रभु श्री राम महान ही चरित्र के बल पर बने। और याद रखना, वर्तमान में आकाश चित्रवान बहुत हैं, चरित्रवान बहुत कम है। फोटो का जमाना है, यहां जिसे देखो फोटो खींचता है, भले ही धक्के खा के खींचे, पर पोस्ट डालेगा बागेश्वर बाबा के साथ शास्त्रार्थ करते हुए, और तीन मुक्के खा के फोटो ली गई हो, चाहे बॉडीगार्डों ने उठा के फेंक दिया, पर वो अपनी लुगाई को दिखाएगा कि देखो आज बागेश्वर बाबा के साथ बैठ के भोजन कर रहे थे, हम तुमसे कोई बुराई नहीं करना चाहते, आकाश तुम अपना नाम पाताल रखो, इसलिए रखो कि तुम्हें चरित्र से दिक्कत है। अरे जिसका महान चरित्र होगा उसी का तो चरित्र लिखा जाएगा, तुम्हारा लिखा जाए तब जाने, तुम्हारी तो एक छोटी किताब नहीं बनने वाली आकाश, राम जी की तो रामायण ही बन गई, तुम हमें ज्यादा ढीले नजर आ रहे हो चरित्र के। आपने कहा कि चरित्र की क्यों आवश्यकता, दुनिया में चरित्र की ही महिमा है, चित्र की बहुत कम महिमा है, चित्र उसी का पूजा जाता जिसका चरित्र योग्य रहा। राम का चरित्र योग्य था, इसलिए आज भी उनकी मूर्तियों की, और आज उनकी वो तो सदा है, पर मूर्तियों के रूप में आज भी हम लोग चित्र के रूप में पूजते हैं। और याद रखना आकाश, जिसका चरित्र श्रेष्ठ होता है वो सदा पूजा जाता है। राम जी का चरित्र श्रेष्ठ था तो रावण भी महिमा गाता था, रावण भी राम जी की जय जयकार करता था। हम तुमको एक कहानी से समझाएं, सत्य घटना से, कि रावण राम जी का कितना मुरीद था, जरा देखना। आहा, जब भगवान राम जी ने लंका के लिए जाने के लिए समुद्र में पत्थरों को तैराया तो ये न्यूज चली लंका में कि वो जो दोनों वनवासी है ना वो लंका आ रहे। तो रावण ने पूछा कैसे, तो राक्षसों ने कहा कि वो तो बहुत खतरनाक है, जादूगर है, उन्होंने पानी में पत्थर तैरा दिए, तो जितनी रावण की सेना थी सब जुड़ करके रावण के पास मिलकर गई। रावण बोले क्या बात है, इतनी सेना क्यों आई है? सेना बोली पार्टी बदल रहे हैं। कहां जा रहे हो? विपक्ष पार्टी में। क्यों? बोले मरना थोड़ी है, जब वो पानी में पत्थर तैरा सकते हैं तो बरसवा भी तो सकते हैं। जब पानी में पत्थर तैर गए और कहीं अगर बरस गए तो हमारे तो परिवार ही नष्ट हो जाएगा, मरना थोड़ी है, जानबूझ के थोड़ी मरना है भाई, पता लगे कि ये देश हार रहा है, काय को कोई पैसा लगाएगा क्रिकेट में, जानबूझ के क्यों लगाएगा? तो सेना बोली सामने दिख रहा है कि तुम मर रहे है, जब वो पानी में पत्थर तैरा सकते हैं तो वो कुछ भी जादू कर सकते, आग ही बरसवा दे फिर, हम तो भाई जा रहे हैं। रावण बोले रोको, अगर वो पानी में पत्थर तैराते हैं तो हम भी तैराते हैं। राक्षस बोले अभी तक जितनी बातें बोली केवल बोली ही भर है तुमने, करके बताओ, अब नहीं माने, करके बताओ। अच्छा, रावण बोले कल देख लेना। सेना बोली कल रेडी रहेंगे, और कल नहीं दिखाया क्योंकि बंदर आया था, जब आग लगाई थी तब कह रहे थे हमें पता है, कुछ कर नहीं लिया, तुम्हारे यहां पानी वाले देवता हाथ जोड़े खड़े थे रावण, पानी ना बरसवा देते। रावण बोला दिमाग नहीं चला। सेना बोली कहीं अगर वो आ गए पत्थर बरसाने लगे फिर तुम कहो दिमाग नहीं चलाओ, हम लोग तो निपट ही जाएंगे। सेना बोली कल करके बताओगे तभी छोड़ेंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं। रावण बोले ठीक है कल आ जा। पूरी रात रावण सोया नहीं बेचारा। दूसरा दिन हुआ,
पूरी सेना आई, रावण से बोली चलो। रावण बोला कहाँ? बोले समुद्र किनारे चलो, दिखाओ पत्थर तेरा। रावण बोला चलो, रावण गए पूरी सेना। अच्छा तमाशा देखने के दिन और ज्यादा आते हैं लोग। आज जैसे कथा होनी थी दरबार है, इतने लोग आ गए। अभी कह देते कि एक बहुत बड़ा फाइटिंग है, गुरुजी का द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है, तो लोग काम छोड़ छोड़ आ जाते। लोगों को लड़ाई देखने में बड़ा मजा आता है, अपनी नहीं पड़ोसी की, दूसरों की लड़ाई है। लड़ाई देखना चाहते पर अपनी नहीं पड़ोसी की, दूसरों की देखना चाहते। हाँ हाँ, पड़ोसी पड़ोसन की लड़ाई हो तो कान खोल खोल के सुनते हैं। हाँ हाँ, चलने दो। और कोई बात कर, रुक जाओ। तो जितनी सेना घर पे रहती थी वो भी आ गई। साफ समुद्र के किनारे रावण बैठ गया, पूरी सेना बैठ गई। रावण बोले ला पत्थर। राक्षस तो राक्षस, उन्होंने सोचे कि राम जी ने 5 किलो के तैराए, अपन 50 किलो के तैरवाओ। पार्टी मजबूत होनी चाहिए ताकि इलेक्शन हारना नहीं चाहिए। राक्षस तो राक्षस, बड़े बड़े पत्थर लेके आ गए सिलाएं। रावण ने मन में सोचा छोटे मोटे तो ट्रिक करके तैर ही जाते, ये तो आधा पहाड़ ही उठा ले रहा है। आने दो। रावण को जितने मंत्र आते थे बोले, सेना बोली मंत्र हो गए हो तो तैराओ। रावण बोले चिंता मत करो। रावण ने एक पत्थर लिया और जैसे ही पानी में छोड़ा सोई डूब पड़ गया। सेना बोली लोबा खुल गई पोल, चलो पार्टी बदलो, झंडा बदलो, हमें इस पार्टी में वोट नहीं देना है। पहाड़ में गया, हरवाओ इलेक्शन हरवाओ। जाने लगी सेना, रावण बोले रुको। रावण ने दसों सिर पानी में डाले। कथा कहती है सत्य घटना, जोशी भाई जी हमको बहुत प्यार से सुनाते हैं। उन्होंने नीचे सिर डाला रावण ने और कुछ बुदबुदाया, आश्चर्य की बात तो वो पानी में पत्थर तैर गया। लोग चौंक गए, ताली बजाने लगे। जो राक्षस छोड़कर जा रहे थे वो रुक गए और लंकाधिपति रावण की जय हो जय जयकार होने लगा। रावण की महानता के गुणगान गाए जाने लगे और जो गाली बक रहे थे वो विनती करने लगे कि भाई अगर राम जी पत्थर तैरा सकते तो अपना राजा भी कम नहीं है, गजब है, फाइट बराबर की, अब नहीं जाना है, कैंसल। रात के समय लेकिन मंदोदरी चरण दबाते हुए पूछने लगी, महाराज हमें पता है आपके पास कौन कौन देवी है, कौन कौन मंत्र हैं, पर हमें यह भी पता है कि आपके पास एक भी ऐसा मंत्र नहीं है जिससे आप पानी में पत्थर तैरा सको। अच्छा, अब तुम बाहर कितने भी लंबी लंबी फेंको, लुगाई को सब पता होता है। उसे पता होता है कि तुम कितने बड़े नेता हो या तुम कितने बड़े गुंडा हो। अच्छा पंडित जी, अरे बेटे कितने भी विद्वान बाहर बने रहे हैं, स्वस्ति ना इंद्रो वृद स्रवा, गरा के पत्नी बोले हाँ बस इतना ही है। वो जानती है कि इन्हें जो है सहस्त्र शीर्षा के अलावा कुछ आते ही नहीं है, तो पत्नी सब जानती है। जैसे रिचर्ड कितने भी मास्टरमाइंड हो पर इनकी होम मिनिस्टर सब जानती है। तो ये बाहर कितने ही बताएं कि हमारी इनसे बनती उनसे बनती ये वो, पत्नी को पता है कि कमरे में फोन लगाने के बाद फोन नहीं उठाया जाता है। तो सब जानते हैं। रावण की पत्नी मंदोदरी चरण दबाते हुए रात को बोली रावण से कि एक बात बोले, हाँ हमें पता है आपके पास कौन सी देवी, कौन सी विद्या, कौन सा मंत्र है, पर ऐसा कोई भी मंत्र नहीं कि तुम पानी में पत्थर तैरा सको। और आप लोग सुनकर के चौंकेंगे, न्यूजीलैंड के लोगों जरा देखना और आकाश भाई पाताल लोग जरा तुम भी सुनना कान खोल करके कि कितना गदगद चरित्र है राम जी का, कितना उज्ज्वल चरित्र है। आज पहली बार रावण जिंदगी में रोया, एक आंख से नहीं 20 आंखों से पहली बार रावण उठ के बैठा, रोया और आंसू पहुंचते हुए अपनी भुजाओं से बोला, मंदोदरी तुम ठीक कहती हो, हमारे पास कोई मंत्र नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है कि हम पानी पर पत्थर तैरा सकें। तो मंदोदरी ने मुस्कुराकर पूछा, महाराज फिर आपने किया कैसे, क्या कौन सी सिद्धि की या कौन सा ट्रिक आपने किया कि पानी पर पत्थर तैर गया और आज तुम्हारा नाम पूरी लंका में है। रावण रोते हुए कहता है, मंदोदरी जब पानी में पत्थर डूब गया, हमारी नाक कट गई और प्रजा छोड़कर जाने लगी मंदोदरी, तब हमने पानी में सिर डालकर कहा, पत्थर तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी नाक बचाने के लिए तू पानी में बाहर आ जा। रावण कहता है कि वो पत्थर ऊपर आ गया। ये उज्जवल चरित्र राम का,
इतना चरित्र महान राम का है कि इस चरित्र को सुन करके माई बाप याद रखना, जिस चरित्र को लेकर के रावण भी अपनी नाक और साख बचाए, ऐसे हमारे राम है। दुश्मन भी अपनी इज्जत बचाए। आकाश, हे पातालेश्वर, तुम कहते हो कि चरित्र की आवश्यकता क्यों, रामचरित्र की आवश्यकता क्यों, अब भी कमी रह गई हो तो और छीले। आकाश अग्रवाल, दूसरा सुन, हमने तुमको छीलने के लिए बहुत से आइटम रख रखे। तुम कहते हो कि चरित्रों की आवश्यकता क्यों, इतनी कथाओं की आवश्यकता, हनुमान चरित्र, कृष्ण चरित्र क्यों आवश्यकता, सीता चरित्र। हम कहते हैं कि बहुत कम है जो रह गए, उनके चरित्र और सबकी जबानों पर होना चाहिए। जो जो महान चरित्र रह गए, हमारे राम जैसा चरित्र भला किसका होगा। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग हमें याद है, आहा, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मार दिया, मेघनाथ की भुजा कट करके मंदोदरी जहां पर थी और जहां पर मेघनाथ की पत्नी सुलोचना बैठी थी वहां पर गिरी। सखियों ने कहा कि लगता है ये भुजा तुम्हारे पति की। सुलोचना कहती है कि उंगलियां तो पति की, पर मुझे भरोसा नहीं, क्योंकि मैं सती हूं और मेरे पति को कोई जीत नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। सखियां कहती हैं संभव है, तुम्हारे पति मर गए। खबर आई, मंत्रियों ने खबर दी कि मेघनाथ मारा गया। सुलोचना रोने लगी, पर भरोसा नहीं हुआ सुलोचना को, क्योंकि सती थी, पतिव्रता थी। तो पतिव्रता स्त्री को भरोसा नहीं हुआ अपने सतत्व पर, उसने कहा कि मेरा सतत्व डोल नहीं सकता, संभव ही नहीं है, उसने परीक्षा लेनी चाहिए। अगर ये मेरे पति की भुजा है तो मेरे पति का नाम ये भुजा अपने हाथ से लिखे कटी हुई। और वाल्मीकि रामायण का प्रसंग कहता है कि उस भुजा ने अपने उंगलियों से मेघनाथ लिखा। सुलोचना समझ गई पति मर गया, हाथ में भुजा को उठाया सुलोचना ने और रावण के दरबार में जाकर के खड़ी हो गई। पिताश्री, क्या तुम्हें पता है हमारे पति का वध हो चुका। रावण कहता यस, हमें पता है, सत्य खबर है। सुलोचना कहती है पति तो मर ही गए, अब कम से कम अंतिम संस्कार के लिए आप जाकर के शव को तो ले आओ, मैं अंतिम संस्कार कर सकूं, अंतिम समय मुंह देख सकूं अपने पति का, ताकि मैं भी प्राण दाह कर सकूं, मैं भी मर सकूं। रावण कहता है बेटी मुझे मत जाने दो, एक काम करो तू ही चली जा, रणभूमि से अपने पति का शव उठा ला। सुलोचना रोने लगी, रोते रोते जब वो गिर पड़ी तो मंत्रियों ने रावण को कहा कि तुम्हारी मति मारी गई है क्या, तुम्हें खबर नहीं है कि तुम अपनी बहू को भेज रहे हो, और तुम्हें पता है किसके पास भेज रहे हो, उन्हीं राम के पास भेज रहे हो जिनकी पत्नी का हरण तुमने किया। कहीं अगर तुमने अपनी बहू को भेजा और तुमको हराने के चक्कर में तुम्हारी बहू को वो बंधक बना ले, रख ले कि तभी देंगे जब तुम सीता को छोड़ोगे, तब तुम क्या करोगे। रावण कहता खबरदार, यही तो राम और रावण में अंतर है, सावधान, यही तो राम और रावण में अंतर है। अगर वो ऐसा करे तो फिर रावण में और राम में अंतर क्या। मुझे पता है राम कितने तेजवान है, मुझे पता है राम कितने मर्यादा पुरुषोत्तम है, मुझे पता है राम जैसा सहज सरल शरीर का सीलवान दुनिया में कोई नहीं है, सच्चरित्रवान राजनीतिक गवान दुनिया में द्वितीय नास्ति। रावण कहता है बेटी तुम सप्रसन्न जाओ, राम जैसा चरित्रवान इस दूसरा पृथ्वी पर कोई नहीं। आप कहते कि चरित्र की क्या आवश्यकता। आकाश, हे पातालेश्वर महादेव, तुम तो हमें मिलो तो तुम्हारी हम ठटरी बारेंगे और तरीके से बारेंगे। तुम कहते चरित्रों की क्या आवश्यकता, एक ही पुस्तक काफी है भ्रमित करने के लिए लिख दी गई। ठटरी के बरे न कटा, अगर ये चरित्र ना लिखे जाते कौन गाता, कौन महिमा मंडन करता, कौन चलता। मेरे प्रियजनों, राम जैसा चरित्र किसी का नहीं हुआ।
राम के चरित्र की महिमा को, और जो भी व्यक्ति इस दुनिया में चरित्रवान होता है, याद रखना हनुमान जी भी सच्चरित्रवान है। इसलिए परिणाम क्या, राम जी की भी महिमा गाई जाती और हनुमान जी की भी। और हनुमान जी के लिए तो घन गोस्वामी जी ने लिखा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों दोनों हाथ उठा करके, पर ताप तुम्हारा है, पर सीधि जगते उजियारा, जगते श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोला श्री राम जय राम, जय राम जी का भी चरित्र महान है और हनुमान जी का भी चरित्र महान है। इसलिए तो हनुमान जी का चारों युगों में पूजन किया जाता है, त्रेता में भी, सतयुग में भी रुद्र के रूप में, त्रेता में हनुमान के रूप में, द्वापर में भी हनुमान के रूप में, कलयुग में भी हनुमान के रूप में। पर सतयुग में तो रुद्र के रूप में रहे, त्रेता में राम जी के साथ वानर रूप में रहे, द्वापर में महाभारत में भगवान कृष्ण के साथ रहे, कलयुग में हनुमान जी कहाँ है बताइए, कहाँ है? क्या न्यूजीलैंड में है? कहाँ है हनुमान जी भैया, किसी ने देखा? हाँ है, कहाँ है? जहां भक्ति की हां हनुमान जी वहां है? कहां हनुमान जी कहां? जहां भक्ति की हां हनुमान जी वहां। पर एक उत्तर हमारी समझ में आता है कि हनुमान जी को पाया जा सकता किसी के नजदीक, कहां? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन रावण उड़ारे। हे आकाश, तुमने कहा कि चरित्र की क्यों आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। एक बात और सुनो, कंप्यूटर का जमाना है, जो कंप्यूटर में नेट लगा देते हैं उसमें वायरस बहुत आ जाते हैं। हाँ जी या ना जी, बोलो, आ जाते या नहीं? अच्छा, वायरस बहुत आ जाए तो कंप्यूटर स्लो चलता है। एक ठैया इंटर कुछ करना हो तो ये लिखो तो बड़ी देर बाद लिखता है, तब क्या करते हैं? फिर गुणग्ग लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, परिणाम वो पूरे कंप्यूटर को स्कैन करके वायरस को खत्म कर देता और कंप्यूटर स्मूथ चलने लगता। वैसे ही ब्रेन रूपी कंप्यूटर में जब विचारों के वायरस, बुरे विचारों के वायरस भर जाए तो कथा रूपी प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना चाहिए। परिणाम क्या होगा? राम के चरित्र रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम को तुम आकाश जी इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारा ब्रेन स्मूथ चलेगा, वरना ऐसे ही तुम्हारे अंदर कीड़ा लगे रहेंगे। कुछ दिनों बाद तुम बोलोगे राम है ही नहीं, राम काल्पनिक है। एक भारत का पढ़ा लिखा आदमी कह रहा था, राम से तू क्या है? हम कहा ठटरी वाले, राम से तू है। वो पूछ रहा था राम से तू क्या है, राम से तू क्या है, वाय देश है। अब अंग्रेजी ठोक रहा था, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, अपन ने तो बुंदेलखंडी भाषा में दिया। हमने कहा राम से तू, यही राम सेतु है। राम से तू तो आकाश, एक जर्मी टेलर हुए इंग्लैंड के, जर्मी टेलर बहुत अच्छे विचारक हुए हैं इंग्लैंड के, बहुत खतरनाक आदमी। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि कर्म का बीज अगर तुमने बोया तो स्वभाव की फसल काटोगे, कर्म का बीज बोओगे तो स्वभाव की फसल काटोगे, स्वभाव का बीज बोओगे तो चरित्र की फसल काटोगे, और चरित्र का बीज बोओगे तो भाग्य की फसल काटोगे। इसलिए चरित्र बहुत आवश्यक है। राम चरित्र मानस यही
नामा, इसका नाम रामचरितमानस है। रामचरितमानस क्यों? अच्छा, रामचरितमानस की व्याख्या क्या है, इसको उल्टा पढ़ो। मानस चरित्र राम, जिस मनुष्य का चरित्र राम की तरह श्रेष्ठ होगा उसी की तो रामचरितमानस लिखी जाएगी। तो तुमने प्रश्न किया कि चरित्रवान क्यों आवश्यक, चित्रवान से ज्यादा चरित्रवान आवश्यक है वर्तमान में। चित्रवान तो केवल लाइक पाते हैं, चरित्रवान तो सदियों तक उनके गुण गाए जाते हैं। और बुरा ना मानना, आदमी कितना भी सुंदर हो, बढ़िया फाउंडेशन लगाए हो, बाल काले पीले लाल करे हो, बढ़िया फिल्मों में आता हो, टीवियों में आता हो, चरित्र का ढीला हो तो क्या पूजा जाएगा? बोलिए, जवाब दीजिए। और आदमी दिखने में कैसा भी हो, गुणवान और चरित्रवान हो, उसकी सब जगह तारीफ की जाएगी, उसे हर समाज में सम्मान दिया जाएगा। इसलिए चरित्र का जो पक्का होता है आकाश जी, वो तीन चीजों उसके फायदे में रहती। एक, निर्भीकता, वो कभी डरता नहीं। जो चरित्रवान होता वो डरता नहीं, क्योंकि उसे टेंशन ही क्या, टेंशन को ही टेंशन हो जाती। जो चरित्रवान है, विवेकानंद को कोई डर नहीं था, सामने बोलते थे मुंह पर, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई दिक्कत किसको है, देखो ऐसे समझो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, न्यूजीलैंड वाले हो ना, ऐसे समझ में आएगा। भाई तुम अगर झूठ बोलो, हम जैसे पूछें क्यों भाई तुम्हारे कितने भाई हैं, और तुम्हें झूठ बोलना पड़े 5, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि गुरु जी को 5 बताए। फिर कभी गुरु जी पूछे तो कहीं 4 ना बता दे। तो जो झूठ बोला जाता है उसे याद करना पड़ता है, और जो सत्य होता है उसे याद नहीं करना पड़ता है। वो तो चाहे जब तुम चाहे सोते हो, कहे भाई कितने भाई हो, 5 भाई हैं। इसलिए आकाश जो चरित्रवान होता है वो निर्भीक होता है, डरता नहीं। हनुमान जी से सीखो, हम नहीं कह रहे, प्रमाण देंगे। हनुमान जी महाराज अयोध्या लंका में, सुंदरकांड की महिमा, रावण के पुत्र मेघनाद ने ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, और जो न ब्रह्म शर्मानहु महिमा मिटे अपार। हनुमान जी महाराज को रावण के सामने ले गए। हे रावण, रावण चौंक गया, इतना बलवान आदमी। हनुमान जी को देख के रावण बोला, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले, क्यों? अरे बोले, देखो शनि देव उल्टे लटके हैं, पूरे ग्रह पानी भर रहे, मौत को हमने काल को पाटी से बांध रखा, हे बंदर तुझे डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले, हमें नहीं लगता डर। रावण ने एक जुगति की, क्या? रावण ने मौत को बुलाया, इधर आ जी महाराज, बंदर के बगल में खड़ी हो जा। हनुमान जी के बगल में मौत खड़ी हो गई। रावण को भरोसा था कि ये कपेगा, मौत आ गई कपेगा, वाइब्रेशन होगा, बीपी हाई होगा। रावण बोला, क्यों बंदर डर लग रहा, मौत है बगल में? हनुमान जी बोले, 1% नहीं। रावण बोला, डर क्यों, डरते क्यों नहीं हो? हनुमान जी बोले, डरना क्या, सिर पर सीता राम भिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम भिकर फिर क्या करना। कौन कौन अपने सिर पर हनुमान जी का हाथ लेना चाहता, जरा हाथ उठाइएगा। आहा, तो गाइए, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, क्या करना 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 क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर 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 क्या करना। दोनों हाथ उठाकर,
पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। गाइए रघुवर श्री जानकी मैया। पिता हमारे राम जी है, माता जी कौन है, कौन कौन अपने सिर पर बागेश्वर हनुमान जी का हाथ रखवाना चाहता है, तो गालो ना पागलो, जो गाएगा नहीं ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में शादी कैंसिल हो जाएगी। पर बाद में अर्जी मत लगाना हमारे पास, हमने कह दिया मुंह पे, फिर सुन लो। हाँ दोनों हाथ उठा के गाओ। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, अब क्यों परेशान हो भैया, अब क्यों परेशान हो भैया, अब क्यों परेशान हो भैया, अब क्यों परेशान हो भैया। अतुलित अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना, क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना। आज के बाद कौन कौन अपनी चिंता राम जी के चरणों में छोड़ना चाहता है, तो दोनों हाथ उठाओ ना। सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। बड़ी मस्ती के साथ कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, भारत में जिन्होंने क्वेश्चन बेटा भेजा था आकाश अग्रवाल, सुनो जरा, तुमने पूछा था चरित्र क्यों सुने, जरा सुनो। जो जन राम कथा सत्संगी, जन राम कथा सत्संगी। अरे जोर से गाओ ना, घर में लड़ाई होती है बड़ी जोर जोर से गाली बकते हो, क्या कंजूसी कर रहे। हाँ जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी होगा। होगा जग में नाम फिकर फिर क्या करना, राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि।
पर सीता भैया फिकर फिर क्या करना क्या करना क्या करना होगा जग में नाम फिकर फिर क्या करना न्यूजीलैंड वालों सिर पर बोलो हनुमान जी महाराज की जय। रावण बोला देखी प्रताप न कपी मन शंका जिमी अहिगन महु गरुड़ असंका। बानर डर नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। मौत बगल में खड़ी? हनुमान जी बोले रावण मौत खड़ी हमारे बगल में पर देख तुम्हें रही देख तुम्हें रही बगल में हमारे खड़ी। रावण बोले मतलब? बोले हमसे पूछ रही कि रावण को कब खाना है। अरे तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले श्री राम जय राम जय जय राम। दादा हाथ उठा के भैया श्री राम जय राम जय जय राम। पुराना माना न्यूजीलैंड वालों रावण की तरह कभी घमंड मत करना, घमंड कभी मत करना। रात को जो फूल खिलते हैं ना सुबह सुबह उन फूलों को कभी पता नहीं होता है कि अर्थी पे जाना है कि मंदिर में जाना है। कहीं भी जा सकते हैं, शमशान की अर्थी पर भी जा सकते हो, मंदिर भी जा सकते हैं, देवालय शिवालय में जाकर के भगवान शिव के मस्तक का शिरोमौर भी बन सकते हैं, लेकिन अर्थी पर जाकर के किसी सब का भी शिरोमौर। शिव के पास भी जा सकते हो, सौ के पास भी जा सकते हैं। इसलिए जो तुमने उपलब्धि पाई अभिमान मत करना, जो तुमने पाया है घमंड में मत फूलना, जो तुमने पाया है उसमें गुमान में मत भरना। ये तुम्हारे गुरु की कृपा माता पिता का आशीर्वाद है कि तुमने पाया है, ऐसा स्वाभिमान से भरे रहना। क्योंकि अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा। रावण कौन? एक लख पूत सवा लख नाती दिया धरहिना रावण बाती। 1 लाख पूत सवा लाख नाती थे, एक नहीं रह गए। महाभारत का प्रसंग उठा रहे हैं, जरा गौर करना। 100 कौरव थे, एक नहीं बचे। पांडव 5 थे, एक नहीं मरे। कारण जिसके साथ धर्म होगा उसका बाल बांका नहीं होगा, जिसके साथ धर्म नहीं होगा उसे कोई बचा नहीं सकता। और एक बात और, हवा में कितना भी उड़ लो आकाश, हवा में कितना भी उड़ लो पंख कटेंगे एक दिन, और कटते ही हैं। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है हवा में उड़ते हुए जमीनों पर भिखमंगे की तरह आए। रावण जैसे लोग मिट गए आकाश, हिटलर हन जैसे स्वीट किया अपने हाथ से, अपने हाथ से उन्होंने आत्महत्या की, हिटलर जैसे लोग जर्मनी का। और तो ठीक है आकाश, सिकंदर के बारे में तुमने सुना होगा, ऐसे गया था। बड़े बड़े लोग ऐसे ही जाते हैं। हमारे दादा गुरुजी कहते थे कभी कभी, बेटा बांध मुट्ठी ऊपर से आए, खोल मुट्ठी चला जाना, ना कुछ तुम ऊपर से लाए ना कुछ यहां से ले जाना। दुनिया में कोई साथ नहीं ले जाता है, इसलिए ये ईगो निकाल दो कि चरित्र किसका, क्यों इतने चरित्र बनाए गए, इतने चरित्र क्यों लिखे गए। चरित्र जिसका महान होगा उसी की तो चर्चा होगी। और हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं राम जैसा दुनिया में कोई दूसरा चरित्र नहीं है, मर्यादित चरित्र राम के जैसा दूसरा कोई चरित्र नहीं, और हनुमान जी जैसा भी कोई चरित्र नहीं है। रावण के सामने खड़े रावण को चाहे डर लग गया, बंदर है कि आफत, डर नहीं रहा। और हनुमान जी निर्भय खड़े, क्यों? क्योंकि चरित्र का पहला बल है, जिसका चरित्र महान होता ना, जो चरित्र का पक्का होता है वो निर्भय होता है। जिसका चरित्र बढ़िया होता है ना वो व्यक्ति आत्मबल से भरा होता। बहुत से लोग हमें मिलते, गुरुजी
मन नहीं लगता, हमें तो डर बहुत लगता है। ढीले पड़ गए हो तुम चरित्र से फीके हो गए, इसलिए तुम्हें डर लगने लगा है। क्योंकि जिस आदमी का चरित्र सदा हुआ रहता है, वो आदमी कभी आत्मबल से टूटता नहीं है, उसका आत्मबल अंतिम क्षणों तक मजबूत बना रहता है। ये चरित्र बल के फायदे हैं। जिसका चरित्र सदा हुआ होगा वो समाज में प्रतिष्ठा भी पाएगा, हनुमान जी की तरह। तो चरित्र की बहुत महानता है, इसलिए चरित्र को जीवन में उतारना हम बहुत, एक साल पहले भारत में एक जगह है दक्षिण भारत में कोयम्बटूर, हम वहां गए थे एक पुस्तक लिखने, सनातन धर्म क्या है, 5 दिन एकांत में हमने पुस्तक लिखी। तो एक दिन सुबह सुबह बैठे थे, एक नेताजी आए, नेताजी बहुत बड़े नेता, सुबह से ही पुलिस आने लगी, डॉग आने लगे, कुत्ते। तो हमने कहा भाई ये कुत्ते क्यों आ रहे, डॉग क्यों आ रहे, पुलिस क्यों आ रही। हमारे चेलों ने बताया कोई बहुत बड़े नेता आपके दर्शन को आ रहे। हम कहा ठीक है आने दो, आने दो। मिले वो आए नेताजी, व्हाइट शर्ट धोती पहने हुए, सामने बैठ गए। हम तो किताब लिख रहे थे, चाय की फुर्की लगा रहे थे, तो हमने चाय पी। हमने उनसे पूछा चाय पियोगे, उनकी हिंदी टूटी फूटी थी, तो वो दोनों हाथ जोड़कर बैठे, बोले गुरुजी मैं हनुमान का बहुत बड़ा भक्त हूं, हनुमान की बहुत भक्ति करती हूं। हम की करती हूं कि करता हूं, बोले हाँ हाँ करता हूं, हाँ। हम कहा और बताओ। फिर धीरे से बोला गुरुजी हम हनुमान जी का फोटो जेब में रखता हूं। तो उसने निकाल के दिखाई, तो हमें बहुत हंसी आ गई। तो हमारे चेले और वो भी पूछने लगा कि गुरुजी हंस क्यों रहे। हम कहा हम इस बात में हंस रहे, तो हनुमान जी का चरित्र जेब में, चित्र जेब में रखते हो, होना उल्टा चाहिए, जेब में चित्र हो या ना हो, दिल में हनुमान जी का चरित्र जरूर होना चाहिए। जेब का चित्र काम नहीं करेगा, पर दिल का चरित्र हनुमान जी का काम जरूर कर जाएगा। हनुमान जी का चरित्र इतना महान है, इसीलिए तो तुम्हारे भजन राम जी को पावे, गाइए जन्म जन्म के दुख विसरावे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय हे पाताल, तुम्हारा नाम बदलने का मन कर रहा है। एक सूत्र और सुनो, रावण चित्रवान था, राम जी चरित्रवान थे। रावण चित्रवान था इसलिए 10 सिर थे, राम जी चरित्रवान थे इसलिए अद्भुत है उनका स्वरूप, आज भी पूजा जाता है घर घर में। घर घर तो ठीक है, दूर की बात, जो बहनें होती हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, तो वो यही प्रार्थना करती हैं हमें राम जैसा पति मिले। कई माताएं हमारे पास आती हैं, गुरुजी हमारी बेटी को राम जैसा वर मिल जाए। हम धीरे से पूछ लेते हैं तुम्हारी बिटिया सीता है। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है आशीर्वाद देने में, पर भाई दोनों पार्टी बराबर होनी चाहिए। अब एक 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 किसी दरबार में हम भूल गए, कहीं पर दरबार लगा था तो एक बालक अर्जी लगा, गुरुजी हम कहा हाँ चेले, गुरुजी आशीर्वाद दो, सीता जैसी पत्नी मिल जाए। हम कहा तुम राम जैसे हो, तुम भाभी को लिए घूम रहे हो, दिमाग खराब हो गया उसका। तुरंत माइक बंद करके बोला गुरुजी बोलना बोला। अब बताइए बताइए, आजकल के लोग बड़ी गजब के लोग हैं। क्या गजब के लोग हैं, मतलब आजकल कितने गजब के लोग हैं, आजकल सच में चित्रवान लोग हैं। आजकल पूजा भी हम लोग करते हैं तो फोटो के लिए, कथा में भी आएंगे तो बहुत से लोग हम देखते हैं कथाओं में हमारी, अक्सर यहां तो नहीं उतने दिख रहे, मोबाइल चालू करे रहते, वो देखो बहन जी। मैं देखो जरा भाई कैमरा करो, कोई अंग्रेज से अंग्रेजी में बोलो यार, कोई अंग्रेज से अंग्रेजी में बोलो कि उन पे कैमरा करो,
नहीं नहीं मोबाइल क्यों रख दिया? हाँ लिए रहो लिए रहो। अरे मोबाइल वाली बहन जी पे कर, वो देखो छत पे वो चढ़ी वो चला रही और वो मुस्कुरा रही भी रही दांत निकाल रही। हाँ कर कैमरा कर। हाँ 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 जी देखिए जी देखिए जमाना, हम सामने बैठे फिर भी इन्हें भरोसा नहीं। टीवी पे भी ये बाद में देख सकती हैं, मतलब संस्कार चैनल को हम भारत से लेके आए इसी चक्कर में कि लोग मोबाइल चालू ना करें। देख रहे हो तुम ये चित्रवान, चित्र का बड़ा प्रयोग होता है, बुरा ना मानिएगा। हम लोग पूजा भी चित्र के लिए करते, माला चढ़ाएंगे फोटो आ जाए। अभी जैसे यहां से लोग आ रहे थे तो वो टीवी में देख रहे थे कि हमारी फोटो दिख रही कि नहीं दिख रही। तो अच्छा जहां फोटो उनकी टीवी में देखे से वो और ज्यादा गुरु जी अरे गुरु जी। दो दो बार प्रणाम करेंगे तो कई बार टीवी पर दिखाने पर श्रद्धा बढ़ जाती। गजब लोग हैं नन्हे न्यूजीलैंड हनुमान जी ने अच्छे देश में भेज दिया हमको। बताइए तो हम लोग दिखाने के लिए, बुरा मत मानिएगा, हमारा तुम्हारा पहनावा भी प्रदर्शन के लिए है, दर्शन के लिए है, बुरा ना मानना। तन कितना भी सुंदर हो मन सुंदर नहीं है, सब बेकार है। तुम्हारा भवन कितना भी सुंदर हो पर मन सुंदर ना हो बेकार। तुम पर बहुत मनी हो, न्यूजीलैंड डॉलर बहुत हो तुम्हारे पास, पर तुम्हारे पास भावना ना हो धन बेकार है। तुम्हारे पास हाउसेस बहुत हो, 4 फ्लैट 4 BHK 3 BHK 5 BHK पर परिवार ना हो, सब बेकार। तुम्हारे पास मेनी पीपल्स सामने खड़े हो पर तुम्हारा कोई अपना ताली ना बजा रहा, सब बेकार है। तुम्हारे पास बहुत कारें हो लेकिन उसमें अपना परिवार ना बैठा, सब बेकार है। बुरा मत मानना, तुम देश के राजा भी बन जाना पर तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता ना, सब बेकार। और बुरा मत मानना, तुम पूरी दुनिया के किंग बन जाना पर भक्ति ना हो, सब बेकार। आध्यात्मिकता के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है, जैसे नदी में पानी नहीं है तो नदी अधूरी है, जैसे समुद्र में खारापन नहीं और पानी नहीं तो समुद्र अधूरा है, सूर्य में रोशनी नहीं तो सूर्य अधूरा है, चंद्रमा में शीतलता नहीं तो चंद्रमा अधूरा है, साधु में साधुता नहीं तो साधु अधूरा है, पिता में पितृभाव नहीं तो पिता अधूरा है, माँ की कोख भरी हुई नहीं है तो माँ अधूरी है, पत्नी सुंदर है पर मांग में सिंदूर ना लगाए तो वो बद सुंदर दिखती है। उसी प्रकार जिंदगी कितनी भी अच्छी हो, माला पर भरोसा ना हो तो तुम्हारी जिंदगी भी बेकार। किसी काम की नहीं, दो कौड़ी की जिंदगी है और ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं। एनिमल्स लाइफ, एनिमल्स लाइफ। हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि खाना पीना सोना और मरना ये पशुओं का भी काम है। तुम्हारे पास स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिकता क्या है? तुम्हारे पास अगर आध्यात्मिकता है और तुम्हारा बाप हनुमान है और उसको पाने के लिए तुम इनलाइटेड होना चाहते हो, आत्म साक्षात्कार। बुरा मत मानना, कोई हमसे पूछ रहे थे, बहुत गुड़ग्ञ ज्ञानी व्यक्ति हमसे पूछ रहा था स्वर्ग नर्क और मोक्ष क्या है। हमने कहा माई बाप जो प्रकृति के अनुकूल वह है वो नर्क है, जो प्रकृति के विपरीत वह है वो नरक है, जो प्रकृति के अनुकूल वह है वो स्वर्ग है, जो इन दोनों को लेवल में मिलाकर के चले वही मुक्ति है। मोक्ष अगर तुमने नहीं पाया, प्रसन्नता तुमने नहीं पाई, मुस्कुराहट तुमने नहीं पाई तो तुमने कुछ भी नहीं पाया। संपत्ति कमा लेना बड़ी बात नहीं, तुम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ, न्यूजीलैंड में पढ़ाओ, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाओ, भारत में पढ़ाओ, USA में पढ़ाओ, किसी भी देश में पढ़ाओ, पर हमारी प्रार्थना है रामचरित मानस भी पढ़ा कर भेजो ताकि तुमसे वो दूर ना जाएं, ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के चक्कर में माता पिता को भूल ना जाएं। और आकाश की बात तो हमने एक उठाई है, ये बात बहुत लोगों के अंदर की है,
तुम लोग बहुत अमीर हो जाते हो पर तुम्हारे जीवन में संतुष्टि नहीं। अब बुरा मत मानना, हमने ऑस्ट्रेलिया में भी कहा था और फिर से हम तुमको कहते हैं, भारत में जाकर यह बात हमने दोहराई थी और फिर हम तीसरी बार तुम्हारे देश में बहुत घोषणा पूर्वक कहते हैं कि हम कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते, कभी भी नहीं सुनाते। अब इसलिए नहीं सुनाते कि यह हॉल भी माया देकर के लिया गया, इसलिए माया छोड़ने के प्रवचन बेफिजूली की बात। हमारे प्रवचन से और हमारी कथा से, हनुमान कथा से तुम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते हो, क्योंकि मरने के बाद कौन स्वर्ग गया ये हमने नहीं देखा। तुम नर्क गए या स्वर्ग गए हमने नहीं देखा, पर न्यूजीलैंड के पागलों हम तुमको कह सकते हैं, इस चरित्र को तुम जीवन में उतारो, जीते जी स्वर्ग बना लोगे। जिसने जिंदा स्वर्ग बनाया, जीवित स्वर्ग बनाया, उसी का जीवन सार्थक है। अर्थ बहुत है तुम्हारे पास, परमार्थ की कमी। साधन बहुत है तुम्हारे पास, साधना की कमी। पुस्तकें बहुत हैं तुम्हारे पास, ज्ञान की कमी। लोग बहुत हैं तुम्हारे पास, अपनों की कमी है। संपत्ति तुम्हारे पास बहुत है पर विपत्ति पीछा नहीं छोड़ रही है। जगत तुम्हारे साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा पर जगदीश का हाथ नहीं दिखाई पड़ रहा। गोविंद की चाह नहीं, गुरु का हाथ नहीं है। इसलिए आज के सूत्र को याद रखो, हनुमान जी की प्राप्ति तुम्हें होगी पर राह से नहीं, हनुमान जी की प्राप्ति तुम्हें चाह से होगी।